गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? डू यू सॉक्ट इन है? जोरदार ही होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपने हर दिन की शुरुआत करता हूं। आज हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है, बात पते की है। इस सीरीज को लॉन्च करने के पीछे सबसे पहले मैं आपको मकसद बता दूं, क्योंकि हर काम के पीछे एक बुनियाद होती है, एक मकसद होता है, एक वजह होती है। महाभारत हुई थी तो उसके पीछे भी एक बुनियाद थी, एक वजह थी। इसी तरह से इस सीरीज को लॉन्च करने की एक बुनियाद है, एक वजह है। एक ही वजह है कि बहुत थोड़े समय में आपको वो सारी बातें बता देना जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। Yes, sir. क्योंकि मैं डे बाय डे देख रहा हूं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी टीम में बिजी है, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था कि 2-2.5 घंटे निकाल पाए। तो हमने एक प्लानिंग की प्रमोद के साथ कि प्रमोद, हर व्यक्ति बिजी है, पर थोड़ा समय निकाल के अगर हम लोगों को कुछ ऐसा दे पाए कि जिसकी वजह से लोगों की तरक्की हो जाए, तो वो कैसा रहेगा? प्रमोद ने कहा, सर ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि 2.5 घंटे मेरे लिए एक साथ में निकालना बहुत मुश्किल हो पा रहा था पिछले 3-4 महीने से। मैंने और प्रमोद ने दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसी सीरीज बनाते हैं कि जिसमें थोड़े समय में बहुत ज्यादा बातें बताई जाएं, लोगों का नेट भी बच जाए, लोग अपने शेड्यूल से डिस्टर्ब भी ना हों, और कम समय में वो ज्ञान हासिल कर लें जिस ज्ञान की वजह से एक आम इंसान खास में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सर, सही बात। तो एक शेर के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ, संजय धीमान सब लोग मेरे बारे में जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और 18 साल बाद भी मुझे अगर ये बताना पड़ता है कि मैं संजय धीमान हूँ, इट मीन्स अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। शेर यह है कि कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल पर पहुंच गए, रास्ते बदलने वाले की तो राहों में कट गई। ये हर व्यक्ति की समस्या है, कुछ रोते में कट गई। व्यक्ति रो रहा है कि नौकरी नहीं मिली, कोई रो रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाया, कोई रो रहा है कि मुझे बैक सपोर्ट नहीं है, और कोई किसी की सफलता को देख के आहें भर रहा है, काश मैं भी यहां पर होता, मेरी किस्मत ने साथ दिया होता, मेरा भगवान ने साथ दिया होता, तो आज उस जगह पर मैं भी होता। वो आहें भरता है और जिंदगी कटती चली जा रही है। कुछ सोते में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ जिंदगी जो है जो लिमिटेड पीरियड के लिए इंसान को मिली हुई है, कुछ सोते सोते कट जाती है, और कुछ जब आदमी को कामयाबी नहीं मिलती है तो गलत रास्ता अपना लेता है दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए, और बची हुई जिंदगी जो है वो उन गुनाहों में कट जाती है। मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल पर पहुंच गए, कि जिनको मंजिल की तलाश थी, जिन्होंने अपना एक ड्रीम चार्ट बनाया हुआ था, उन्होंने एक रास्ता पकड़ा और उस रास्ते पर चलते गए। उन्होंने कभी भी अपने रास्ते नहीं बदले और वो मंजिल पे पहुंच गए। रास्ते बदलने वाले की तो राहों में कट गई। दोस्तों, आपको मान लीजिए कि भोपाल से बॉम्बे जाना है, आप 50 किलोमीटर जाते हैं, फिर कहते हैं यार मैं गलत रास्ते पे आ गया। एक काम करते हैं, अपना उस रास्ते से घूम के चलते हैं। 50 किलोमीटर आप उस रास्ते पे आगे निकल जाते हो, फिर आपके मन में ख्याल आता है नहीं गलत आ गए, फिर 25-30 किलोमीटर आप पीछे मुड़ते हैं और फिर आप रास्ता बदलते हैं। दोस्तों, एक रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति टाइम सर अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन रास्ते जो आदमी चेंज करता रहेगा वो हमेशा रास्तों में ही भटकता रहेगा। और यही एक आम
इंसान के साथ होता है। यही एक नया नया जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आता है उसके साथ यही होता है, उसकी शुरुआत से लेके एंड तक यही चीजें चलती हैं। कुछ रोते में कट गई, कुछ आहों में कट गई, कुछ सोते में कट गई, कुछ गनाहों में कट गई। मंजिल पर पहुंचने वाले मंजिल से जा मिले और रास्ते बदलने वाले की तो राह में ही कट गई। ये शेर जो है हमें एक मैसेज देता है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो एक रास्ते का चुनाव करो कि वो रास्ता आपकी मंजिल तक जाता हो। उसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, एक्शन एक्शन एक्शन, कोई किंतु परंतु नहीं। समझ आ गई बात? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी से शुरुआत करते हैं तो आपको पहले से लेके एंड तक क्या बात करने वाले हैं हम वो सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक समय की बात है कि जंगल में चुनाव का माहौल था, सारे जानवर आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि इस बार वोट किसको दिया जाए, जंगल का राजा किसको बनाया जाए। तो सभी जानवरों ने आपस में सलाह करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला कि यार हम फालतू की टेंशन में फंसे हुए हैं, जंगल में सबसे ज्यादा चलाक लोमड़ी होती है, तो क्यों ना इसकी सलाह हम लोमड़ी से लें। सब मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी से कहते हैं कि जंगल का राजा इस बार कौन होना चाहिए, किसको वोट देना है, हम बहुत समस्या में हैं, आपकी क्या राय है। तो लोमड़ी ने थोड़ा सोचा और उसके छोटे छोटे बच्चों की तरफ उसने देखा और सोचने लगी कि शेर जब भी आता है अपनी मनमर्जी से जानवरों का शिकार कर डालता है, वो मोह माया के जाल में फंस गई। जब इंसान मोह माया के जाल में फंस जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है। अर्जुन जब मोह माया में फंस गया था कि सामने मेरे मामे हैं, सामने मेरे चाचे हैं, सामने मेरे ताए हैं, तब वो ये निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था कि इस समय मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो मोह माया के जाल में बंध गया था। इसी तरह लोमड़ी अपने बच्चों को देखकर ये सोचने लगी कि मेरे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, शेर ने अगर इनका शिकार कर डाला तो मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगी। तो उसने फैसला किया कि इस बार जंगल का राजा बंदर होगा, हम बंदर को वोट देंगे और उसको राजा बनाएंगे। तो जब सब जानवरों ने पूछा कि इस बार छलांग मार की सरकार, बोले हां इस बार छलांग मार की सरकार। उसका सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि वो जमीन पे तो चलने में मास्टर है, पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है, पेड़ों पे भी छलांग मार लेता है, और कोई प्राणी दूर से आएगा तो वो दूर से देख के बता देगा। तो वो विजनरी है, विजनरी उसकी दूरदृष्टि है, दूर तक देख पाता है जो हम नहीं देख पाते। तो सबने तय किया कि ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जहां 10 लोग आपके बैठे हुए हैं वहां एक व्यक्ति, कोई 11वां व्यक्ति जो होगा, या उन 10 में से जिनको आप अपना समझ रहे हो उनमें से एक व्यक्ति अपोजिशन वालों का भी होगा, वो आपके पास भी चाय पिएगा और उनके पास भी जाकर चाय पिएगा, जिसको हम गुप्त पत्रकार कहते हैं, गुप्त पत्रकार। वो आपकी बातें उनको बताएगा और उनकी बातें आपको बताएगा। तो कुछ गुप्त पत्रकार जिन्होंने जाके शेर को ये बात बता दी कि शेर साहब जंगल में अब आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, तुम बस गुफा में ही गुर्राते रहना, आपका राजपाट हाथ से जाने वाला है। तो शेर गुस्से में आके बोलता है किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है। कहता है बताना मत किसी को, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अक्सर ऐसे ही बातें होती हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन ये सारी साजिश लोमड़ी द्वारा रची गई है और सारे जंगल के जितने भी जानवर हैं उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार जंगल का राजा जो होगा वो बंदर होगा।
अब की बार शिलांग मार की सरकार होगी। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया, शेर ने कहा खबर पक्की है? कहता हजूर खबर पक्की है। कहता कोई बात नहीं, जब कोई ये बात कह दे ना कि यार खबर पक्की है, तो सामने वाले के अंदर कॉन्फिडेंस हो आ जाता है, उसके अंदर शंका की रति मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। यस अब शेर घूमते फिरते लोमड़ी की तरफ पहुंच गया। लोमड़ी के छोटे छोटे बच्चे, लोमड़ी थर थर कांपने लगी। शेर ने कहा लोमड़ी मैंने एक बात सुनी है, मुझे कुछ सूत्रों के आधार पर पता चला है कि इस बार जंगल में सरकार चेंज हो रही है, और उसके पीछे जितना भी प्रचार हो रहा है वो तू कर रही है, और ये खबर पक्की जी है। जी सर और जी एक सर चीज याद रख, अगर मैं हार गया ना तो मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। जैसे ही बच्चों की बात करी, लोमड़ी फिर कांपने लगी, क्योंकि लोमड़ी ने इसी डर के मारे तो बंदर का चुनाव किया था। और शेर ने दूसरी इंस्ट्रक्शन दे दी कि 2 दिन के अंदर अंदर, आज का दिन गया, कल शाम तक सूर्य ढलने से पहले मेरे तक ये जी मैसेज पहुंच जाना चाहिए, जंगल में ये प्रचार जोर शोर से शुरू हो जाना चाहिए कि इस बार वोट जो है वो शेर को ही दिए जाएंगे, सरकार चेंज नहीं होगी। जी अब की बार अपनी सरकार, अब की बार शिलांग मार की सरकार नहीं होगी, सही बात और ये शाम है तक तू खबर लेके आएगी, नहीं तो कल अगर सूर्य ढलने से पहले ये खबर पक्की नहीं हुई तो एक बात याद रखना, मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। अब लोमड़ी को टारगेट मिल गया। इस एक ही जी कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो जिंदगी से रिलेटेड हैं। टारगेट मिल गया तो लोमड़ी के लिए एक-एक क्षण बहुत कीमती था। पहले दिन लोमड़ी ने बंदर को ढूंढा, बंदर कहीं मिला नहीं। बंदर को क्या था, बंदर ने सोचा मुझे प्रचार करने की क्या जरूरत है, मैं बहुमत से मेरी सरकार बना रहा हूं तो मुझे किसी के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, वोट मांगने की क्या जरूरत है। तो जी वह किसी किसान के खेत में से ना 8-10 मक्कियां तोड़ के लाया। दूसरे दिन जब लोमड़ी बंदर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंची तो बंदर एक पेड़ पर पूंछ लटका के आराम से बैठा हुआ है, और मक्कियां वहां रखी हुई हैं, और एक मक्की तोड़ के वो खा रहा है। जी करीब 12 बजे का टाइम था। लोमड़ी नीचे बैठी कहती हजूर इस बार बहुत बड़ी समस्या आ गई है मेरे सिर पे, जी मैंने आपकी तारीफ क्या कर दी, मैंने आपका चुनाव क्या कर दिया, मैंने आपके बारे में प्रचार क्या करने शुरू किया, मेरे सिर पे मुसीबत खड़ी हो गई है, और आप बादशाह जी हैं, आप राजा हैं, और प्रजा जब दुखी होती है तो राजा ही उसकी रक्षा करता है, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे मेरी जिंदगी जी का सवाल है, मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, शेर जी ने मुझे आज शाम तक का टारगेट दिया है, सूर्य ढलने से पहले अगर मेरा प्रचार नहीं किया गया तो मैं तेरे बच्चे खा जाऊंगा। हे राजन जी मेरी इस मुसीबत से मुझे बाहर निकालिए। तो बंदर ने क्या किया, मक्की खाई, एक पेड़ से छलांग मारी दूसरे पेड़ पे। ऐसा करते करते लोमड़ी नीचे प्रार्थना करती रही, बंदर हर आधे घंटे बाद एक पेड़ से छलांग मार के दूसरे पेड़ पे बैठता है, दूसरे पेड़ से छलांग मार के दूसरे पेड़ पे बैठता है। जी ऐसे करते करते जब कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो लोमड़ी ने देखा यार शाम के 5 बज गए और थोड़ी देर में अभी सूर्य ढलने वाला है, तो शेर ने जो बोला है वो अपनी मनमानी करता है, वो तो मेरे बच्चे खा जाएगा, मैं तो लेने के देने पड़ जाऊंगी। तो अब जी लोमड़ी जो है वो पेड़ के नीचे बैठी, बंदर राजा जो जिसका चुनाव उसने किया हुआ है वो उससे कहती है राजन आपसे 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जल्दी कीजिए। अब बंदर ने जो आधे घंटे में गुलाटी मार रहा था वो
दो दो मिनट में मारने शुरू कर दी, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से इस पेड़। लोमड़ी नीचे से कहती है, जनाब कुछ जल्दी कीजिए। बोला कर तो रहा हूं। बोला मेरा कोई सोल्यूशन करिए। बोला कर रहा हूं, मैं बंदर हूं और शिलांग मारने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, और जिसमें मैं परफेक्ट हूं वो मैं कर रहा हूं। दोस्तों ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जब एक नया व्यक्ति आता है तो उसको, आजकल मार्केट में देखो हर इलाके में कोई ना कोई कंपनी चल रही है, तो लोग उसको भटकाते हैं, मेरे वाली अच्छी है तेरे वाली खराब है, मेरे वाली अच्छी है तेरे वाली खराब है। दोस्तों ये कहानी हमें एक बहुत ही अच्छा रास्ता, स्पष्ट रास्ता बताते हुए हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाती है कि अगर हमने किसी एक रास्ते का चुनाव नहीं किया तो दोस्त, अगर हम भी उस बंदर की तरह इस पेड़ से उस पेड़, इस कंपनी से उस कंपनी तक छलांगे मारते रहे तो दोस्तों जिंदगी में हम कभी भी अपनी मर्जी के बादशाह नहीं बन पाएंगे। डायलॉग ये नहीं होना चाहिए कि इस बार छलांग मार की सरकार, डायलॉग ये होना चाहिए कि अब की बार अपनी सरकार। मैं इसी स्टोरी के हिसाब से आगे चलता हूं। जो इंसान सिर्फ इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे मारता है वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो अपनी मां से, बाप से पैसे मांगता है तो अपनी मां से पता क्या कहता है कि मम्मी तुम्हारे लिए मेरी क्या कीमत है, तो मां उसके सिर पे हाथ घुमा के कहती है, बेटा तू तो करोड़ों का है, करोड़ों का। तो बेटा धीरे से कहता है, मम्मी उन्हीं करोड़ों में से सिर्फ 500 रुपया दे दे। उन्हीं करोड़ों में से सिर्फ 500 रुपया दे दे। दोस्तों अंडरस्टैंड करिए, कहानी हमें एक बहुत ही स्टीक सफल रास्ते की ओर लेके जाती है। मार्केट विजिट करनी है, कंपनियां विजिट नहीं करनी है। ये देखो, ये बात लिख लीजिए आप, बहुत काम की बात है कि अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हो तो मार्केट विजिट करनी है, कंपनियां विजिट नहीं करनी है। बाजार में अनेक कंपनियां हैं लेकिन जो भी नेटवर्कर, जो भी व्यक्ति कामयाब हुआ है वो किसी एक कंपनी से ही कामयाब हुआ है, अनेकों से नहीं। आपको अगर इस पार से उस पार जाना है, अगर नदी में इस पार से उस पार जाना है तो दोस्तों वहां बहुत सारी नावें होती हैं, लेकिन आपको किसी एक नाव का चुनाव करना होगा। आप सोचेंगे मैं हाथ इस नाव में रखूंगा, पैर उस नाव में रखूंगा, दूसरा पैर उस नाव में रखूंगा, तो दोस्तों आपकी डेड बॉडी के चीथड़े लेके जाएगी नाव। यस सर, नाव तो जाएगी, नाव तो जाएगी उस पार, लेकिन आप सुरक्षित नहीं जाएंगे। आपको अगर सुरक्षित जाना है तो आपको किसी एक नाव का चुनाव करना होगा, एक कंपनी का चुनाव करना होगा। स्कूल बदलने से व्यक्ति पास नहीं होता, परिश्रम करने से पास होता है। बॉन्ड विद वन, आपको योलो लाइफ जीनी होगी, वाई ओ एल ओ, योलो लाइफ। योलो लाइफ का मतलब होता है यू ओनली लिव वंस, जिंदगी में इंसान सिर्फ एक बार ही जीता है। और दोस्तों अगर आपने जो जिंदगी मिली है उसको सही बना दिया ना, तो अनेकों बार जन्म लेने की जरूरत भी नहीं है। मैंने जैसे बताया कि जिसको भी कामयाबी मिली है उसको एक कंपनी से ही मिली है, अनेकों कंपनियों से नहीं मिली। धीरूभाई अंबानी की कामयाबी के पीछे सिर्फ एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। करसन भाई पटेल की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है निर्मा। बिल गेट्स की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। स्टीव जॉब की कामयाबी के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम है एप्पल। और आपके जितने भी सीनियर हैं इंक्लूडिंग मी, उनकी भी कामयाबी के पीछे एक कंपनी है, अनेकों कंपनियां नहीं। एग्री हो? हिम्मत के साथ काम करिए। जब इंसान कंपनियां बदलता है ना, तो वो इंसान क्या होता है, डे बाय डे जब दौड़ लगाता है, डीजल पेट्रोल में खर्चा इतना हो जाता है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता है, तो जब
वो सोचता है यार अब मैं बड़ा भी हो रहा हूँ, मुझे घर भी चाहिए, घर का फर्नीचर भी बनाना है, घर में कलर भी करना है, शादी भी करनी है, लड़की वाले नहीं तो लड़की देंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पहले घर देखना है ना मेरा कि घर वार है कि कुछ नहीं। तो एक असफल नेटवर्कर जो हिम्मत हार चुका होता है वो एक बैंक मैनेजर के पास जाता है और कहता है मुझे लोन चाहिए। तो बैंक मैनेजर उससे कहता है कि बैंक में खाता है, तो हिम्मत हार चुका नेटवर्कर कहता है कि अभी तो मैं घर पे ही खाता है हूँ, लेकिन जब आप लोन दे दोगे तो मैं बैंक में खा लिया करूंगा। दोस्तों टिकना पड़ता है, चाय का एक ताजा कप पीने के लिए आपको चाय वाले के पास उस टेबल के ऊपर जिसके ऊपर चाय के छींटे पड़े हुए हैं, मक्खियां भिन बना रही हैं, कीड़ियां चल रही हैं, उस टेबल के ऊपर कम से कम भी आपको 15 से 20 मिनट तक बैठना पड़ता है, तभी चाय मिलती है ना। उसका स्वाद कितनी देर का है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, कुछ ही मिनटों का। लेकिन कुछ मिनटों के स्वाद के लिए आप एक चाय वाले के पास भी 15 मिनट तक रुकते हो, बैठते हो। नहाते समय अपने शरीर की मैल को साफ करने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। दोस्तों यहां तो उस पुश्तों की गरीबी की मैल को हमने धोना है जो पुश्तों से हमारे मतलब खानदान पे चढ़ी हुई है, उसे साफ करने में लगभग 10 से 15 साल तो लगेंगे ना, क्या इतना वेट कर सकते हो? ये बिजनेस नाव में बैठने के समान है, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी जो आपकी नाव को उछालेंगी, लेकिन आपको उस पार जाना है तो टिक कर बैठे रहना पड़ेगा। एग्री हो? ज्यादा उछल कूद करोगे तो याद रखना आप तो डूबोगे लेकिन दूसरों को भी ले डूबोगे। कंपनी कोई भी हो दोस्त, एक बार उसको इन लहरों का सामना करना पड़ता है। जिनकी लीडरशिप अच्छी होती है वो इन लहरों से निकल जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी लीडर उछल कूद करते हैं वो खुद भी डूब जाते हैं और कंपनियों को भी ले डूबते हैं। मकसद एक ही है, मिशन एक ही होना चाहिए कि मैं जहां पे आया हूं वहां मुझे टिक कर 10 से 15 साल देने हैं। आप इतना समय एक बार देकर देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लेन में बैठने के समान है। आपने प्लेन में यात्रा की है? प्लेन में बैठते समय आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। यहां पे भी इंस्ट्रक्शन है, 3 नेवर, बिल्कुल सर, सही बात आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा और अपनी सुखद यात्रा के लिए सीट बेल्ट को कसकर बांधना होगा और तब तक बांधे रखना होगा जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? जब आदमी जो उसने सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है, और जब फ्रस्ट्रेटेड होता है तो वो क्या करता है, कुछ गुनाह करने लग जाता है। जैसे कई लोग क्या होता है, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, संभालने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। तो ऐसे फेलियर नेटवर्कर जब वो पीने लग जाते हैं ना तो क्या होता है कि जब उनकी शादी का कार्ड छपता है तो उसके भतीजे मजाक मजाक में पता क्या बोलते हैं कि चखना होगा, दारू भी होगी और सारा जमाना भी होगा, मेरे चाचू की शादी में आपको पौवा लगाने आना ही होगा। दोस्तों काबिल बनना पड़ता है, काबिल काबिल बनना पड़ता है। काबिल का मतलब कहता कहता ये किसी डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी विजिट की है? मैं तो यूनिवर्सिटी में कभी गया नहीं, सिर्फ हाँ अपने बेटे को लेकर जरूर गया हूँ, लेकिन ये मेरी किताब मेरी डिक्शनरी में ही मिलेगा आपको ये वर्ड। मेरे कुछ अपनी फिलोसफी होती है, काविल, का मतलब है कार्य में कोशिश करते रहो। दोस्तों ड्राइविंग सीख जाने से क्या आपको पैसे आते हैं?
पैसे आपको तब आते हैं जब आप ड्राइविंग करते हो। इंजीनियर बन जाने से, डिग्री हासिल करने से क्या आपको पैसे आते हैं? नहीं, आपको पैसे तब आते हैं जब आप अपना काम पूर्ण तरीके से करते हो। आप डॉक्टर बन गए, आपके पास डिग्री आ गई, तो क्या आपको पैसे आने लग जाएंगे? आपको पैसे तब आते हैं जब आप मरीज का चेकअप करते हैं। आपने मिस्त्री का काम सीख लिया तो क्या आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे? आपने टेलरिंग का काम सीख लिया तो क्या आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे? आपको पैसे तब आएंगे, अगर आप टेलरिंग का काम सीखे हुए हैं तो आपको पैसे तब आएंगे जब आप स्टिचिंग करेंगे। आपको आपने मिस्त्री का काम सीखा हुआ है, पैसे तब आएंगे जब आप वो काम करेंगे। तो दोस्तों, का मतलब है कार्य में कोशिश करते रहो। आप एक कंपनी में ज्वाइन कर जाते हो और आप सोचते हो कि पैसे आएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। पैसे आपको तब आएंगे जब आप उसमें काम करेंगे, तब जी। का मतलब है कोशिश करते रहो। वी का मतलब है विपत्तियां तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी। और ल का मतलब है लक्ष्य तभी हासिल होगा, बस लगे रहो। इसका मतलब होता है काबिल। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार ही चमकता है, इच्छा अनुसार कभी नहीं। जैसे कि जब पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध हुआ था, तो दुर्योधन की इच्छा थी कि ये युद्ध मैं जीत जाऊं। पांडवों ने युद्ध जीतने की इच्छा कभी जताई ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर योग्यता थी, वो अपनी एबिलिटी को जानते थे। इसलिए दोस्त, सिर्फ डिजायर रखने से कुछ नहीं। हाँ, डिजायर आपको मोटिवेट करती है, आपको एक विजन देती है कि यार ये करना है, जगाती है आपको, आपके आलस को दूर करती है। लेकिन जो भी काम का आपने चुनाव किया है, उस फील्ड के कामयाब लोगों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। जब आप एक योग्य व्यक्ति बनते हैं, तभी उस फील्ड में आप कामयाब होते हैं। कुछ लोग तो क्या होता है, सिर्फ आते हैं, तालियां बजाते हैं, प्रसाद लेके चले जाते हैं। जब ऐसे लोगों को अपलाइन पूछती है ना कि चल अच्छा एक बात बता, सबसे लंबा सांप कहाँ पाया जाता है, तो वो कहता है लूडो के 99 वाले खाने में। तो अपलाइन कहती है, बेटा 99 वाले खाने में जो सबसे लंबा सांप पाया जाता है ना, उसकी पूछ सबसे नीचे से स्टार्ट होती है और उसने तुझे निगल लिया है, दोबारा जीरो से शुरू कर। याद रखिए दोस्त, इस सिस्टम में हम कामयाब होने के लिए आए हैं, और अगर इस सिस्टम में कामयाबी संजय चौधरी साहब को मिल सकती है, इस सिस्टम में कामयाबी सांकला साहब को मिल सकती है, इस सिस्टम में कामयाबी अरविंदर, राहुल, प्रमोद, अभिनीत, विजय, पीयूष, प्रियंक, पंकज, गौरव, बंटी नंदन, कन्हैया प्रसाद, बहुत सारे लीडर हैं, अगर उनको मिल सकती है तो आपको भी मिलेगी। लेकिन देखना यह है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो कामयाब हुए। शुरुआत उनकी भी आपकी तरह थी। याद रखिए, सफलता रूपी चिड़िया उस पेड़ पर कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती जिस पेड़ की अवधि लंबी नहीं होती। सफलता तो आपका इंतजार कर रही है। आप सफलता कहती, तू एक कदम घर से मुझे पाने के लिए निकलता है, मैं 10 कदम तेरी तरफ आगे बढ़ती हूं, लेकिन तुम रास्ता बदल लेते हो तो सफलता क्या करे बेचारी। आपको लंबे टाइम के लिए यहां टिकना पड़ेगा। आपको एक और कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि जमीन खरीदी दो लोगों ने साथ साथ में, पर मुसीबत यह थी कि वो जमीन में पानी नहीं था और वो बंजर थी। अब एक संत आए इलाके में, वो दोनों व्यक्ति गए, यार ये संत महापुरुष, ये बहुत कुछ जानते हैं, इनसे कोई सलाह लेते हैं। उन्होंने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी जी। गुरुदेव, हमारे पास जो जमीन है वो बंजर है, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिस वजह से जमीन जो बंजर है वो उपजाऊ बन जाए जी।
तो गुरुदेव ने कहा बेटा खुदाई करो, गड्ढा खोदो, पानी निकलेगा, और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी चाहिए। दोनों गए, दोनों ने खुदाई शुरू की। अब ये क्या हुआ कि एक की जमीन में से पानी निकला, पास में ही दूसरे का खेत था लेकिन उसके खेत में से पानी नहीं निकला। 6 महीने बाद वो संत वो गुरु वापिस उस इलाके में आए। दोनों लोग वहां गए, एक व्यक्ति मिठाई का डब्बा लेके गया गुरु का शुक्रिया अदा करने के लिए गया, और दूसरा व्यक्ति कंप्लेंट लेके गया। जिसकी जमीन में से पानी निकला था उसकी जमीन आज हरी भरी हो गई थी, उपजाऊ बन गई थी। वो मिठाई का डब्बा लेके गया, गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले हे गुरुदेव आपके बताए हुए रास्ते के अनुसार हमने मेहनत की और मेरी जमीन में से पानी निकला और आज जमीन उपजाऊ हो गई है, और शुक्राने के लिए ये मैं मिठाई का डब्बा लेके आया हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। और दूसरे का मुंह लटका हुआ था, वो गुरुदेव से कहता है गुरुदेव आपके बताए अनुसार मैंने भी खुदाई की लेकिन मेरी जमीन में से पानी नहीं निकला, मेरी जमीन पहले भी बंजर थी आज भी बंजर है। गुरुदेव चकित हो गए, कहते अब विषय बातों का नहीं रह गया, अब विषय ये है कि वहां जाकर देखना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि जब बाजू बाजू में खेत है, एक के खेत में से पानी निकला और दूसरे के खेत में से नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। गुरुदेव गए तो क्या देखा कि जिसकी जमीन में से पानी निकला था उसने एक ही जगह पर गड्ढा खोदा था, और दूसरे की जमीन पर जाके देखा तो उसने अपने खेत में 50 गड्ढे खोदे थे, 10 फुट तक जाता था, नीचे पत्थर आते थे, जमीन सख्त हो जाती थी तो वो छोड़ के दूसरी जगह गड्ढा खोदता था। तो गुरुदेव ने उसको पूछा जिसकी जमीन हरी भरी हो गई थी जहां से पानी निकला था, उसको पूछा बेटा कितने फुट गहराई पे पानी निकला है। उसने कहा गुरुदेव 80 फुट गहरा खड्डा खोदा है तब जाके ये पानी निकला है। और उसको पूछा कि तूने कितने खड्डे किए, बोले गुरुदेव मैंने 10-10 फुट के 50 खड्डे किए। बोले मेहनत तूने ज्यादा की है और उसने कम मेहनत में फल पाया है, दोनों के काम करने का तरीका अलग है, एक ने एक ही जगह तब तक खुदाई की, बंजर जमीन उसके लिए भी आई थी, नीचे खुदाई करते समय उसके आगे भी पत्थर आए थे लेकिन वो एक कमिटमेंट के साथ लगा रहा, हार्ड वर्क पे उसने बिलीव किया, गुरुदेव की बात पे बिलीव किया और लगा रहा और आज उसकी जमीन उपजाऊ हो चुकी है। लेकिन उसको जब भी थोड़ी सी समस्या आती थी वो जगह बदल देता था। बोला तूने सबसे ज्यादा मेहनत की है, तूने 500 फुट तक खुदाई की है लेकिन फिर भी पानी नहीं निकला, क्योंकि तेरे को काम करने को बताया था कि एक ही जगह गड्ढा खोदना है, अलग अलग जगह गड्ढे खोदोगे तो दोस्तों जो चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि आज किसी चूर्ण बेचने वाले की तरह कि ये नहीं तो ये ले ले, ये नहीं तो ये ले ले, ऐसे काम नहीं किया है। बहुत सारे थे गिद्दड़ सिंह की लेके घूमते हैं ना कि देख बच्चा इधर आ, तू ये वाली रख और ऐसे इसका सिंदूर माथे पे लगाएगा ना तेरा काम हो जाएगा है। वो बोले कितने की है, बोले 2000 की। ना बापू मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा एक काम कर, तुझे एक और सुपारी देता हूं, तू ये सुपारी अपने पास रखेगा तेरा काम हो जाएगा। वो कहता कितने का, बोले 1000 रुपए का। बोले ये मेरे पास की बात नहीं है। तो बोले बेटा एक बात और बताता हूँ। बोले क्या, तुझे मैं 2 इलायची देता हूँ अपनी जेब में रख के जाना, जहां जाएंगा वहीं काम हो जाएगा। तो कितना पैसा, बोले 100 रुपया। बोले ये भी मेरे पास नहीं है। मतलब एक ही व्यक्ति 100 वाला भी प्रोडक्ट रख के बैठा है, 1000 वाला भी रख के बैठा है, 2000 वाला भी अलग अलग। मुझे याद आ गई कहानी, एक व्यक्ति ना पंडित के पास जाता है, ये जब हमने काम शुरुआत किया था ना तो ये कहानी हम बहुत सुनाते थे। पंडित के पास जाता है और पंडित से कहता है पंडित जी बड़ी बुरी दशा चल रही है, कुछ देखो ना जरा मेरे दिन कब बदलेंगे। पंडित ने हाथ देखा, बोले बेटा बहुत बड़ी शनि की दशा चल रही तेरे पे, हवन कराना पड़ेगा। बोले कितने पैसे लगेंगे, बोले बच्चे 5100 रुपया लगेगा। तो व्यक्ति कहता है पंडित जी 5100 रुपया तो नहीं है। पंडित जी ने देखा अभी
दशा इस पे ही नहीं चल रही, दशा मेरे पे भी चल रही है, काम धंधा है नहीं, लॉकडाउन में बड़ी परेशानी है, कहीं ग्राहक हाथ से ना निकल जाए। तो वो कहते हैं देखो यार तू अपना आदमी है, किसी को बताना मत, 2100 रुपया दे देना। वो कहता पंडित जी 2100 रुपया भी नहीं है। कहता यार 1100 दे देना। कहता 1100 भी नहीं है। कहता चल 101 ही दे देना। कहता वो भी नहीं है। कहता 2100 रुपया दे देना। कहता वो भी नहीं है। कहता चल साला बेरोजगार कहीं का है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका छवि क्या बिगाड़ेगा है? आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंस के साथ घर से निकलना पड़ेगा। दोस्तों हम तो उस कंपनी में काम करते हैं जिसका नाम अगर एक्टिवा के साइलेंसर पे लिख दिया जाए तो आवाज बुलेट जैसी आती है। हाँ यही बात पते की है। और जो कंपनियां बदलते रहती हैं ना दोस्त, इधर से उधर बंदर की तरह छलांग मारती हैं, इधर उधर खड्डे खोदते हैं, वो फिर जब उनको असफलता मिलती है तो घर पे आके पता क्या कहते हैं, मम्मी क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं? तो मम्मी कहती है बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो वो क्या पता क्या कहता है, क्योंकि मम्मी मैं जहां भी जाता हूं ना सब यही कहते हैं, हे भगवान फिर आ गया, हे भगवान फिर आ गया। हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूं, आप इसको गौर करना जरा। कि एक भिखारी ना, उसने एक व्यक्ति से 5 रुपए मांगे, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि हट्टे कट्टे हो, कुछ काम कर लिया करो, काम क्यों नहीं करते, चलो मैं तुम्हें कोई काम दिला देता हूं। तो भिखारी कहता है कि महीने का कितना दोगे? तो आदमी बोला 5000 रुपये। भिखारी ने बोला तू अपना काम धंधा छोड़, मेरे पास बैठ जा, मैं महीने के 25000 रुपये दूंगा। मतलब एक सोचने वाली बात है, बहुत बड़ा मैसेज है कि एक भिखारी भी अपना टारगेट रख के बैठा है कि महीने के 25000 तो कमाने हैं। एक भीख मांग के जिसकी इनकम दूसरों पे डिपेंड है, अगर वो 25000 का टारगेट लेके चल रहा है तो दोस्तों यहाँ पे तो 50 प्लान करके 50 लोगों को ज्वाइन करवा के 50 लोगों की जिंदगी बदल के उनको कामयाबी का रास्ता बताकर 30000 रुपया आता है आपको। है ना बात पते की? एक ना फेलियर नेटवर्कर। अब मैंने कहा कि जब आदमी को सफलता नहीं मिलती तो आदमी तरह तरह की आदतें लगा लेता है। उसने ना एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और उसने उसको पढ़ा, चेतावनी लिखी थी कि धूम्रपान से दस्त हो सकते हैं। तो युवक वापस ना दुकानदार के पास गया, बोला भाई ये कौन सा पैकेट दे दिया, वो कैंसर वाला ही दे दे। बात पते की है ना दोस्तों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वाले को मिलता नहीं कुछ इस जहां में, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। और ये बात पते की है दोस्तों। पते की बात जो सीरीज हमने आज लॉन्च की है, मैं उसकी यहीं पर समाप्ति करता हूं। और जितनी बातें बताई हैं वो सब पते की हैं, इनके ऊपर एक बार फिर से गौर करना। लास्ट में ये बात फिर से एक बार याद रखना कि किसी को किस्मत से मिलता है, किसी को कमाकर मिलता है, किसी को किस्मत से मिलता है, किसी को कमाकर मिलता है, तख्तो ताज जब भी मिलता है जान की बाजी लगाकर मिलता है। और ये बात पते की है। इस सीरीज का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक नई बात पते की है के साथ। हम ये सीरीज को महीने में 4 बार लेके आएंगे, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, चाहे भोपाल में रहें चाहे अहमदाबाद में रहें। गॉड ब्लेस यू, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय ड्यूसॉफ। थैंक यू वेरी मच।